देखते रहिए यूबीएन जीरो एट तराना से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट। तराना तहसील के ग्राम गावड़ी में 62 वर्षीय बुजुर्ग की जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। परिवार एवं गांव में रहने वाले रहवासियों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया था। कुछ दिन बीतने के बाद एरिया को मुक्त कर दिया। ग्रामीणों को प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की समझाइश दी एवं ग्रामीणों ने प्रशासन एवं पुलिस के आला अधिकारियों की ताली बजाकर सम्मान प्रेषित किया। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। 21 दिन हो जाने के बाद एक भी व्यक्ति यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव उसके बाद नहीं मिला है। खुशी की बात यह है कि जो लोग पॉजिटिव आए थे वो भी स्वस्थ से फ्री किया जाता है। और इसके साथ ही तराना अनुविभाग में अब कोई भी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट वर्तमान में अनुविभाग में नहीं है, ये काफ़ी खुशी की बात है। तो तराना जो है अभी कोरोना मुक्त आज घोषित हुआ है, मुक्त किया है। क्या था गावड़ी में पिछले 18 तारीख को जो है एक केस पॉजिटिव आया था, इस वजह से जो है पूरे क्षेत्र को हमने कंटेनमेंट जोन जो है घोषित किया था। अब उसके बाद 21 दिन होने के बाद कोई भी यहाँ पे नया प्रकरण सामने नहीं आया है, तो इस हिसाब से शासन के मान जो भी नियम है 21 दिन के बाद हमने इस क्षेत्र को जो है कंटेनमेंट जोन। तो सर परिवार के एक सदस्य और अभी आना बाकी हैं, 62 वर्षीय जो पॉजिटिव आए थे जिनका इलाज चला था, उनके आने के बाद में कुछ और प्रोसेस रहेगा क्या? नहीं, अभी ये है कि वो उनका इलाज चल रहा है, दूर चल रहा है, इस क्षेत्र से दूर चल रहा है। तो दो लोग पॉजिटिव आए थे वो स्वस्थ होकर वापस भी आए हैं, शीघ्र ही उनके भी यहाँ वापस स्वस्थ होकर आने की संभावना है। तो चूँकि नया कोई केस नहीं मिला है इसलिए ये क्षेत्र जो है कंटेनमेंट से हमने आज मुक्त कर दिया। तराना का एक नौगावा का भी कुछ मामला सुनने में आ रहा है, वो क्या है मामला इसका? नौगावा से उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट मामला तो नहीं है, ये ज़रूर है कि फर्स्ट कांटेक्ट में यहाँ के कुछ लोग हो सकते हैं, तो उसकी हम सैंपलिंग कराएंगे यदि ऐसा कुछ व्यक्ति सामने आएगा। अभी वर्तमान में पूरा तराना कोरोना से सुरक्षित है? आज के दिनांक में अब तराना में कोई भी कोरोना का केस नहीं है, पूरा तराना जो है कोरोना। धन्यवाद। कंटेनमेंट एरिया भी मुक्त किया है, पुलिस प्रशासन का इसमें जो सहयोग रहा था, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? यहाँ पे हमने लगातार 24 घंटे ड्यूटी की व्यवस्था की थी, यहाँ के चौकीदार हैं, सेक्रेटरी सभी लगे रहे, वो गांव में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की आपूर्ति की हमने कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे जवानों ने और जो भी यहाँ पे जो लगे थे शिक्षा विभाग के सभी ने उनकी लिस्ट ले लेते थे और उनको सामान पहुँचाते थे, इसलिए कभी भी आपको भी कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली कि गावड़ी के लोग परेशान हैं। इसके लिए यहाँ के लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने भी बहुत सख्ती से इसका पालन किया और इसीलिए आज ये हम इसको मुक्त करने में सक्षम हुए। यहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया में जिन जवानों की ड्यूटी लगी तो उन्होंने भी मुस्तैदी से अपना काम किया है, उनके बारे में आप क्या कहें? हाँ, उनको तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं क्योंकि इतने मुश्किल ड्यूटी की और सभी ने बिल्कुल बहुत मुस्तैदी से किया। गाँव के चौकीदारों सेक्रेटरियों सभी ने बहुत अच्छा काम किया, पटवारी और जो शिक्षा विभाग के थे हम उनको भी तहे दिल से।